सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम और तमाम खूबसूरत चेहरों को मेरा प्रणाम। जितना जीजा जी ने बोल दिया उतने तारीफ के पात्र नहीं हूँ मैं, लेकिन एक छोटी मोटी कलाकार हूँ, मेहनत करके आप लोगों के बदौलत नाम और मुकाम बनाना चाहती हूँ। और आज यहाँ पर एक एक्टर के तौर पर नहीं, आज मैं अपने घर में मौजूद हूँ, अपने बच्चे के बर्थडे में आई हूँ। और जैसा कि जिया जी ने बताया कि मैं और सुरभि साथ में ही पढ़े हैं और एक अलग सा नाता रहा है हम दोनों का बचपन से ही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही आपने जैसा कि फरमाइश किया, सिर्फ आपके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ कि हेलो हाय बाबू कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना। और पापा भी यहाँ पर आ गए हैं, जिया जी मेरे पापा आए हैं वहां पे सामने, वो जस्ट सामने। कि अरे इतना तो करता प्यार और करे क्या, सुनो ना बोलो कॉल करे क्या, कॉल ना किया, अरे कॉल करे क्या, कॉल ना किया। ये आपकी फरमाइश थी मैम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। साथ ही आज बहुत ही खूबसूरत उपलक्ष्य पर यहाँ पर मौजूद हैं, तो बिना सोहर के ये जो माहौल है और ये जो समा है वो बहुत ही अधूरा रहेगा, क्योंकि हम सब हमारे बच्चे के बर्थडे में इन्हों उपस्थित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ सुरभि भी गाएं और आप दोनों भी गाएं, और मैं चाहूंगी कि जिया जी भी हमारा साथ दें ना? है ना, हर मंच पर जिया जी गाते हैं तो अपने घर में भी गाना चाहिए। आज आप होस्ट हैं, ठीक है, गेस्ट गाएंगे सर, हम दोनों गेस्ट हैं।